इंदौर कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने 31 दिसंबर व क्रिसमस को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें तेज गति से गाड़ी चलाने वाले व शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के विरुद्ध गाड़ी जब्ती कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग्स कर ड्रोन कैमरों की मदद से बदमाशों पर व इंदौर शहर पर नजर रखी जाएगी। दरअसल 31 दिसंबर व क्रिसमस का त्यौहार करीब आता जा रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इंदौर का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपने अपने थाना क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर ड्रोन कैमरों के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाया जाए और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम जानते हैं कि 31 के आसपास 31 दिसंबर के दिन सबसे जो बड़ी शिकायतें रहती हैं ओवर स्पीडिंग और मुख्य तौर पर शराब पी करके वाहन चलाने की समस्या, दोनों को लेकर के पुलिस काफ़ी सक्रिय रहेगी। इसमें जगह जगह स्टॉपर्स लगा करके पुलिस इसमें जांच करेगी, साथ ही ब्रेथ एनालाइजर्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए स्पीड रडार गन भी लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पुलिस जो तेज गति से चलाने वाले वाहन हैं उन पर नज़र रखेगी। मुख्य तौर पर जो शहर के बाहरी जो इलाके हैं, सुपर कॉरिडोर और बाईपास जैसे जो रास्ते हैं, उन जगहों पर पुलिस की नज़र रहेगी, लगातार चेकिंग चलेगी और पुलिस सुनिश्चित करेगी किसी भी तरह की लापरवाही से कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि कई बार दुर्घटना में व्यक्ति औरों को तो छोड़े खुद के लिए भी बड़ा जानलेवा साबित होता है और बाकी समान स्थिति में दूसरों के लिए भी घातक होता है। तो मुख्य तौर पर ऐसी स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए पुलिस कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इन सारे जगहों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी और पुलिस मुख्य तौर पर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का देखेगी कि उसका ठीक ढंग से पालन हो और साथ ही साथ समय पर जो निर्धारित समय के अनुसार उसमें सारी दुकानें बंद हो और किसी भी तरह की आम व्यक्ति में किसी भी तरह की समस्या पैदा ना हो, किसी के जश्न से कोई अनावश्यक समस्या पैदा ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखेगी। और जैसे मैंने बताया कि ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स।